रिफाइंडी का जहर हम लोग पी रहे हैं और अमृत दे रहे हैं, उसको शर्म करना चाहिए ईडी को। रिफाइंडी ईडी को क्या देना चाहते हैं? यदि आज के क्रांति जैसे भारत छोड़ो आंदोलन निकला था, आज बेगूसराय से आपको रिफाइंडी छोड़कर जाने पर एआईएसएफ के लोग मजबूर कर देंगे। पैसा और ठेकेदारी के कारण ये रोड नहीं बन रहा है। सीएसआर का फंड 30 लाख 40 लाख टेंडर करता है, पूंजीपति लोग को देके 5 लाख में बनवाता है और 20 लाख रुपया आपस में बंटा बांट करता है। रिफाइंडी से यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा नहीं है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को फायदा है। क्या दिक्कतें आ रही है जी, काहे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि रिफाइंडी के ईडी के द्वारा रास्ता को दुरुस्त कर दिया गया है और आज आप जानते हैं कि क्रांति दिवस है और आज ही के क्रांति से निकले हुए चिंगारी भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत छोड़कर भाग गया था और इसी तरह आज हम बेगूसराय एएसएफ के कार्यकर्ता होने के नाते रिफाइंडी ईडी को क्या देना चाहते हैं? यदि आज के क्रांति जैसे भारत छोड़ो आंदोलन निकला था, आज बेगूसराय से आपको रिफाइंडी छोड़कर जाने पर एआईएसएफ के लोग मजबूर कर देंगे, नहीं तो ये रास्ता बनाने का वो काम करे। जिस तरह छात्रों को पढ़ने में जाने में समस्या होती है, आज अभी 10 मिनट पहले एक डेड बॉडी जा रहा था, आधे घंटे बॉडी यहाँ खड़ा रहा, 6 किलोमीटर रास्ते से घूर कर गाड़ी आया, फिर उस बॉडी को ले दिया गया। इस सारे चीज को देखते हुए रिफाइंड ईडी को ये रास्ता को फिर से पुनः चालू करना पड़ेगा। रिफाइनरी से यहाँ के स्थानीय लोगों को ही ना फायदा है महाराज, रोजगार मिल रहा है, समस्याएं। रिफाइंडी से यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा नहीं है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को फायदा है। अरे वो आते हैं, पैसा लेके जाते हैं, हमारे प्रतिनिधि को रोज इससे फैक्ट्री से क्या मतलब? चंदा मिलता है, टैक्स मिलता है हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय को। नहीं तो कैसाबे गांव में इससे बड़े बड़े लोग हैं जो इनको रोड बनवा देते हैं, लेकिन पैसा और ठेकेदारी के कारण ये रोड नहीं बन रहा है। तो आप लोग बाधित कर रहे हैं ना, रोके हुए हैं? हम कहे रोके हुए हैं? वो तो ठेकेदारी करने वाले, घूस लेने वाले लोग रोके हुए हैं। घूस लेने वाले रोके तो क्या? चलिए, घूस लेने वाले क्या जी, क्या कहिएगा? देखिए, आसपास के 20 गांव का जमीन लेकर ये रिफाइंडी बना था और पूरे 20 गांव में इसका प्रदूषण झेल रहा है सब लोग। सीएसआर का फंड 30 लाख 40 लाख टेंडर करता है, पूंजीपति लोग को देके 5 लाख में बनवाता है और 20 लाख रुपया आपस में बंटा बांट करता है। और यहाँ से देखिए, अभी एक सब जा रहा था, 6 किलोमीटर दूर से गाड़ी यहाँ आया था और वहाँ से सब ग्रामीण पैदल लेके आए थे। हिंदू धर्म के हिसाब से यहाँ एक पेड़ था, यहीं पे आसपास के 10 गांव का सब आता है और यहाँ रखने के बाद ले जाता है गंगा जी, और उसको सबसे पहले कटवाया है। हिंदू हृदय सम्राट जो गिरिराज बाबू हैं, उनको कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हिंदू के सबसे बड़े कट्टर समर्थक है महाराज, धर्म को पाकिस्तान बेचते रहते हैं मुस्लिम को बात बात। इसीलिए ना हिंदू यहाँ 20 गांव का जो पेड़ था इसके नीचे सब रखता था, तो सबसे पहले पेड़ कटवाया, उसके बाद देखिए गड्ढा। यहाँ रात में देखिए फैक्ट्री नियम का उल्लंघन है, पीछे देख लीजिए, कहीं पे कोई बैरिकेटिंग नहीं है, इसमें जानवर गिर जाएगा, आदमी गिरेगा, हादसा होगा, इस पे प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बरौनी अंचल की ओर से कि आज 9 अगस्त है, क्रांति दिवस है, 9 अगस्त के चिंगारी से पूरे देश में क्या हुआ था पूर्व में सोच ले ही रिफाइंडी का प्रबंधन। ऐलान कर रहे हैं आप लोग? जी जी, चलिए, तो जंग का ऐलान हो गया है। कह रहे हैं कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के ओर से किसको शर्म करना चाहिए? ईडी को शर्म करना चाहिए, हम लोग जहर निगल के और अमृत दे रहे हैं। अच्छा, किसका जहर निगल रहे हैं? रिफाइंडी का जहर हम लोग पी रहे हैं और अमृत दे रहे हैं, उसको शर्म करना चाहिए ईडी को, रास्ता बिना कहे सुने दे देना चाहिए। जनता आंदोलन करेगा तब रास्ता देगा ईडी। यहाँ मन चलिए रंगबाजी करता है ईडी, और क्या करता है, रंगबाजी करता है, तो आप लोग रंगबाजी, वही रंगबाजी कर रहा है। मन चलिए देख लीजिए ना, दूषित तो हम करते हैं, क्या चीज दिया है 5 गो गांव में, व्यवस्था क्या है, नहीं जल है, नहीं दवाई है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप सर्वे कर लीजिए। विधायक महोदय क्या कर रहे हैं? विधायक महोदय सुतल है, रुपा मिलिए जाता है तो काहे के लिए आएगा? विकास का गंगा बहरा, खूब विकास गंगा बहरा, देख रहे, सर्वे कर लीजिए कैसाबे में, ये 5 गो गांव कर लीजिए, कहाँ दवाई के हॉस्पिटल है और कहाँ पानी की व्यवस्था है, जाकर देख लीजिए। वो भी देखने का कहेगा तब ये होगा, पत्रकार भी जो आप लोग का भी न दायित्व बनता है।
दायित्व बनता है, दायित्व बनता है, इसलिए पटना से आए हैं बेगूसराय। बाकी देखिए ये स्थिति है बेगूसराय की। बेगूसराय के सांसद महोदय जो हिंदू के ठेकेदार हैं, बात बात पे बहुत कुछ बोल जाते हैं मुस्लिम हिंदू के लिए, लेकिन यहाँ की कितनी व्यवस्था अच्छी है वो हमने आपको दिखाने का एक छोटा प्रयास किया। बाकी इन प्रयास पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।